जय मसीह की प्रियो, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे नए प्रोग्राम में, सवाल आपके जवाब बाइबल के। आमीन। प्रभु आप पर अनुग्रह और आशीष करे मेरे प्रियो। हमेशा से परमेश्वर ये हम सबसे चाहता है कि हम ज्ञान और बुद्धि पाकर सच्चाई के मार्ग पर और ईमानदारी के मार्ग पर और वचन के मार्ग पर चलें। आमीन। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, यूहन्ना की पुस्तक उसका 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ मेरे प्रियो, स्वतंत्रता आपको और मुझे सत्य से मिलती है, और इसीलिए आप हैं प्रोग्राम सवाल आपके जवाब बाइबल के। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन के जवाब को सुने आपके सवालों के लिए। हाल ही में एक सवाल मुझे मिला, कोरोना वायरस कब अंत होगा, कब इस समस्या से हमें छुटकारा मिलेगा। इसको लेकर बहुत सारे लोग नाना प्रकार की गलत गलत बातें और भ्रांतियां फैला रहे हैं, जो कि 100% गलत है। हमें इसके बारे में ना सोचना चाहिए ना हमें विचार करना चाहिए। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा, लोग कह रहे थे कि 40 दिन तक, बस 40 दिन के बाद ये कोरोना खत्म हो जाएगा, सारी बातें सब कुछ पहले से भी बेहतर हो जाएंगी। 40 दिन, लोगों ने 40 दिन के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी कर दी। भविष्यद्वक्ता जिन्हें आप जानते हैं वो भविष्यवाणी करना शुरू कर चुके थे, कहने लगे नूह का दिन 40 का रहे, नूह का जो त्रासदी थी वो 40 दिन की रही, और उस समय ऐसा रहा 40 साल 40 दिन 40 40 40 उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणी कर दी और यीशु के नाम से भविष्यवाणी की। उनकी भविष्यवाणियां झूठी ठहरी, क्योंकि बहुत बार लोग भावनाओं में भरकर भविष्यवाणी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो झूठे भविष्यद्वक्ता, पर मैं ये कह रहा हूं हर बार जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी कर रहे हो, कई बार उनकी भविष्यवाणियां सिर्फ भावनाओं भर की है। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि इस सवाल का प्रभु मुझे जवाब दे रहा है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, मैंने कहा सवाल आपके जवाब बाइबल के, और मैं चाहता हूँ कि आप एक पुस्तक पढ़ें जो कि 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, और यहाँ पर अगर आप 5वां अध्याय को 1 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और इसी सवाल का जवाब मिलेगा। मैं पढ़ूंगा आपके लिए 16, 17 और 18 वचन। लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। 8:28 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो भी घटनाएं घटती हैं, परमेश्वर बुराई में से भी भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जो आपका है जो मेरा है वो बुराई में से भी भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। बिल्कुल ये बात जान लीजिए, समझ लीजिए, जो आपका परमेश्वर आपके लिए भलाई उत्पन्न करने वाला हर परिस्थिति में। आपके सवाल और आपकी चिंताएं बहुत सी होंगी, कोरोना के कारण आप बहुत सारी चिंताओं को कर रहे हैं। आपने पूछा कि कोरोना कब खत्म होगा, आज की और परिस्थितियों को देखकर लग रहा है तकरीबन अभी 3 साल लगेंगे इसे छुटकारा पाने में। मैं 100% सही हूं कि नहीं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरे अंदाजे से तकरीबन 3 साल लगेंगे। कैसे, कुछ इस तरह से समझिए, जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पर लोग बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, आराधनालय और भी बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, क्या वो लोग इकट्ठा हो पाएंगे। लोग कुछ दिनों में भले इसे भूल जाएं, लेकिन जब तक कि इसका पूरी तरह से इलाज नहीं आता, और उसके बाद में रिसेंटली एक स्टडी आई, उस स्टडी के अनुसार तकरीबन दिसंबर तक 50% तक हो सकता है कि भारत के लोग इस कोरोना की चपेट में आ जाएं। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और आपको ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर हमारे यहाँ कोरोना है तो तकरीबन 2.5% लोग ही जो आज तक उसकी चपेट में आए हैं उनकी मृत्यु हुई है। और लोग बहुत सारी बातों को कर रहे हैं, उन सारी बातों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है 16 वचन में, 1 थिस्सलुनीकियों का 5:16 लिखा है, सदा आनंदित रहो। क्यों रहो आनंदित, जवाब सिर्फ बाइबल ही देगी। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, आनंदित रहना है क्योंकि हम प्रार्थना में लगे रहे हैं। दूसरी बात, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। किसकी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि आप आनंदित रहें, खुश रहें, प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर की संगति में रहें। कभी आपने गौर किया
जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए और उसके बाद से लेके आज के दिन तक 2000 सालों में क्या आज के दिन तक कभी आराधनालय बंद रहे? ये बात तो सच है कि सारे आराधनालय बंद हैं, हम ऑनलाइन मिल रहे हैं। सोचिए, जब परमेश्वर इन सारी आराधनाओं को बंद कर सकता है तो सोच के देखिए कि अगर वो ऑनलाइन और इंटरनेट भी बंद कर देता तो क्या ये नामुमकिन बात है मेरे प्रियो? आप सबको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूँ, भारत में अगर इंटरनेट आता है तो केबलों से आता है। मीलों लंबी केबलें समुद्र में बिछी हुई हैं, अलग अलग देशों से सर्कुलेट होकर इंटरनेट हमारे भारत में आता है। ऐसा भी हो सकता है कभी कि इंटरनेट बंद हो जाए, क्या फिर हमारी आराधनाएं बंद हो जाएंगी? मैं हमेशा इस बात के बारे में बात करता हूं कि चर्च मंदिरों में, बिल्डिंगों में, किसी और जगह नहीं है। चर्च आप हैं, प्रभु के लोग आप हैं, आप में प्रभु रहता है। आमीन। 2000 सालों में आज के दिन तक आराधनालय कभी बंद नहीं रहे, परंतु अब बंद हैं तो कारण क्या है? कारण चाहे जो भी हो, जरूरी नहीं कि हम सब बातों को जाने। अगर आप जान भी लेंगे तो क्या कर लेंगे? मान लीजिए आपको ये पता चल गया इसके पीछे कारण यह है, तो भी आप क्या कर लेंगे? एक सांत्वना देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको प्रेरित करूंगा, इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। लिखा है 16 वचन में, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अगर आप आगे पढ़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है 19 वचन में, आत्मा को ना बुझाओ। बहुत से लोगों की आशाएं टूट गई हैं, मैं सुन रहा हूं, लोग मुझे फोन कर रहे हैं, बता रहे हैं उनको कोरोना की शिकायत हुई है, उन्हें भी कोरोना हुआ है। कुछ लोगों को मैंने मरते हुए देखा है, सुना है कि जिन्हें कोरोना हुआ है। आज मैं हमारे स्टूडियो से 100 मीटर दूर है, वहाँ पर 2 कोरोना के पीड़ित लोग मिले हैं। मेरे लिए शायद मुश्किल की बात है कि मुझे मालूम नहीं कि मैं कल या परसों वापस स्टूडियो में आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। प्रभु सहायता करेगा, लेकिन मैं फिर भी आनंदित और खुश रहूँगा बजाय इसके कि मैं रोऊँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आनंदित रहने के लिए बुलाया है, चुना है, अलग किया है। आमीन। भूल जाइए सारी बातों को कि कोरोना है, कब है, क्या होगा, परिस्थितियां और भी बुरी होंगी, लेकिन आप आनंद कीजिए, क्योंकि यहोवा ने आपको आनंद का दिल दिया है। वो गीत गाते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आइए हम आनंदित होते जाएं, प्रभु की स्तुति करें, जय जयकार करें, तारीफ करें, जय जयकार करें। भूल जाइए कोरोना कब है, क्या है। मैं सच नहीं जानता कि कोरोना कब खत्म होगा, पर अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, तकरीबन 3 साल लगेंगे। अभी जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य आसानी से नहीं होंगी। 2 से 3 साल मास्क हमेशा लगाकर चलना पड़ेगा। इसके बाद भी मैं आपको बता दूं, मैं देख रहा हूं छोटे छोटे बच्चे, उन्हें मास्क लगाने के लिए बोलना नहीं पड़ रहा, वो मास्क लगाकर चल रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं। डरना लाजमी है मेरे प्रियो, डरना बुरी बात नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, ज्ञान और बुद्धि के साथ, जो कि प्रभु का वचन देता है। आगे बढ़ते जाइए, भूल जाइए सारी बातों को। अगली बार फिर से मिलूंगा एक नए सवाल के साथ, सवाल आपके, जवाब बाइबल के। आमीन। मेरे प्रियो, आप जानते हैं विजनरी मिनिस्ट्रीज़ के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, हमारा रेडियो स्टेशन है, और लॉकडाउन में हमारी परिस्थितियाँ भी बहुत ख़राब हैं फाइनेंशियली। मैं चाहता हूँ कि यदि आपके हृदय में परमेश्वर ने डाला है तो जो आपके हृदय में है आप इस सेवा के लिए बो सकते हैं, ताकि प्रभु की सेवा, जो कि देश में विदेश तक में इस वचनों के द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा, वीडियो मिनिस्ट्री के द्वारा और रेडियो मिनिस्ट्री के द्वारा जो होता है, वो उसमें आपका भी हाथ हो। आमीन। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा मेरे नंबर के नीचे, आपको उस पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल वहां पर लिख सकते हैं, और जो भी अमाउंट आप सेवा के लिए देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे कि किस तरह से आप प्रभु की सेवा में हाथ बढ़ा सकते हैं। आमीन। यदि कोई और भी बात है आप मैसेज कीजिए, प्लीज़ उस फॉर्म में भर दीजिए जो नंबर है। यदि ज़रूरी नहीं है तो कॉल मत कीजिए, प्लीज़ मैसेज लिख के भेजिए, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपको, पर्सनली मैं जवाब दूंगा आपको। मेरे प्रियो, आइए प्रभु की स्तुति करें। एट लास्ट बोलना चाहूँगा, प्लीज़ नाराज ना होए किसी बात के लिए, बहुत मुश्किल होता है रोज के 10, 20, 50, 100 कॉल को जवाब देना, पर मैं कोशिश करूँगा। आधा आधा घंटा, एक घंटा बात करना मुश्किल है, मैं भी चाहता हूँ, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करना चाहता हूं कि आपको निरंतर और हमेशा सहायता मिलती रहे। अगली बार फिर से मिलूंगा आपसे, सवाल आपके, जवाब बाइबल के। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो।